में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से आ रही BS4 की बसों की एंट्री अब बैन हो गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते 1 नवंबर से BS4 बसों पर रोक लगाई गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक अब CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 की बसों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी। नियमों का पालन करने के लिए टीम भी तैनात की गई। ISBD कश्मीरी गेट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता देवेश कुमार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार पूरी कोशिशों में जुटी हुई है कि उस पर लगाम लगे, और ऐसे में कवायद यही है सरकार की, जो वाहनों से जो प्रदूषण होता है उस पर लगाम लगे, और इसी के तहत दिल्ली सरकार काम भी कर रही है। साथ ही साथ जो CAQM के दिशा निर्देश है, क्योंकि GRAP II लागू है, और ऐसे में निर्देश दिए गए हैं कि 1 नवंबर यानी कि आज से जो BS4 की जो बसें हैं वो राजधानी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से, जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से बसें आती हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तमाम पड़ोसी राज्य है, और ऐसे में यहाँ से बड़ी संख्या में बसें आती हैं। तो हाल ही में दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी ISBT पहुंचकर जो ड्राइवर है उनको भी जागरूक किया, साथ ही साथ जो PUC है वो भी चेक की कि क्या उनके पास जो PUC सर्टिफिकेट है वो सही है, या फिर पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो, इसकी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो BS4 की जो बसें हैं वो बंद हो जाए। इस वक्त हम मौजूद भी है दिल्ली के जो ISBT है बस स्टैंड वहां पर, तो वहां पर अब जो BS4 की जो बसें होंगी उनकी एंट्री नहीं होनी, यानी कि अब राजधानी दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो आएंगी, साथ ही साथ जो CNG की बसें हैं वो आ सकती हैं, और जो BS6 की जो बसें हैं उनकी ही एंट्री राजधानी दिल्ली में होगी, क्योंकि प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी है, और ऐसे में कोशिश यही है इसके जरिए कि जो वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है उस पर लगाम लगे और उन्हीं बसों की राजधानी दिल्ली में एंट्री हो जो पूरे मानक करते हो, पूरा करते हो। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों को भी पत्र लिखा कि जो डीजल की बसें हैं वो राजधानी दिल्ली में बंद होनी चाहिए, और पड़ोसी राज्यों से भी मांग की है कि जो डीजल की बसें हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है, जो AQI है, वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तो ऐसे में कोशिश यही है सरकार की कि उस प्रदूषण पर लगाम लग सके। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।